हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो टाटा पंच में जो एंड्रॉयड सिस्टम मिलता है जनरल एक्सेसरीज में, उसमें आपको क्या मिलता है, क्या प्राइस है और इसको लगाना वर्थ है कि नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें जो स्क्रीन साइज हमें मिलता है वो 9 इंच का मिलता है, 9 इंच का स्क्रीन साइज मिलता है। और जो इसका टच है वो कैपेसिटिव टच है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिव हमें देता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिव कर रहा है। और इसमें हम IPS डिस्प्ले मिलता है। अगर इसके मेमोरी की बात करें तो इसमें 2GB का रैम है और 32GB जो क्या है इंटरनल मेमोरी, जो कि बहुत ठीक ठाक है। और इसमें जो आपको एंड्रॉयड का वर्जन मिलता है वो 10.1 एंड्रॉयड वर्जन मिलता है आपको। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ मिरर का मिल जाता है, जो कि मतलब कि इनके खास ऐप है उसके जरिए मिलता है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। इसमें जो चारों स्पीकर, उसमें जो पावर है वो 50 वाट की आउटपुट मिलता है पावर। इसमें क्या है, फ्रंट और रियर दोनों कैमरे में सपोर्ट करता है। ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब देखते हैं इसके अंदर इंटरनली हमें मिलता क्या है। अब देखिए, अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो वैसा ही इंटरफेस है जैसे एंड्रॉयड का होता है। और अब हम जाते हैं कार सेटिंग में, किसमें और क्या क्या इसमें मिलता है हमें। अब देखिए, इस डिवाइस के पोर्ट के बारे में बताया है कि इसके डिवाइस पोर्ट कौन कौन से हैं। और हम फिर जाते हैं सिस्टम में। आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा रैम है 2GB दिखा रहा है और 16GB फ्लैश दिखा रहा है, जो कि हमें डब्बे में 32GB देखने को मिलता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल में 16GB होता है, ठीक है। और ये आपका फैक्ट्री सीट है, जो आप पासवर्ड डाल के आपको रिसेट कर सकते हैं। और बात करें हम कार सेटिंग में, ये कार सेटिंग है। फिर आगे आपका एंड्रॉयड सेटिंग, जो कि जैसा कि नॉर्मल होता है, वॉल्यूम सेटिंग, आपको कितना मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए वो वगैरह है। और फिर हम ब्राइटनेस देखते हैं। ये ब्राइटनेस, हम ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं, बैक लाइट ये वगैरह आपका है। इसमें नेविगेशन दिया है, GPS जो आपको गूगल मैप से है, और फिर ये GPS के बारे में दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग लर्न के बारे में। ये जो आपको स्टीयरिंग लर्न दिया गया है, ये बेसिकली जो आपका स्टीयरिंग है उससे मैच करने के लिए दिया है। यानी इसमें दिखाना भाई, जो ये आपका ये सिस्टम है ना, ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो यहाँ से एडजस्ट होता है कि किस बटन से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। अब आते हैं लोगो सेटिंग। लोगो सेटिंग में ये है कि आप स्टार्टिंग जब करते हैं एंड्रॉयड को ऑन ऑफ करके स्टार्ट करते हैं, जो लोगो आता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर लोगो पे हमने सेट किया तो ये उसके लिए हमें, जैसे कि इंटरनेशनल लोगो हो गया, ये सारे इसमें दिए गए हैं, सारे ब्रांड के लगभग जो आपको लगाने हैं यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने पर आपको वो लोगो शो होते हैं, जो हमें यहाँ सेट करना है सेट कर सकते हैं। अब ये एनिमेशन है। अब कुछ एनिमेशन है जो आपको डिफॉल्ट मिलते हैं, कुछ आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ये हो गया। अब इसमें अदर सेटिंग में आते हैं, जिसका आपका फ्लोट बार, हैंड ब्रेक, स्क्रीन सेटिंग, ये सब इसमें दिए गए हैं। और बात करते हैं इसके ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का इंटरफेस आपको ऐसा मिलता है, यहाँ से हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है ये 4x0 होता है, और इसका डिवाइस नेम कार्बिट है। अब हम सेटिंग करने के लिए अगर हम डिवाइस को पेयर करते हैं तो यहाँ पे वह हमारी लिस्ट आ जाएगी, हम वहाँ से कनेक्ट करके हम कर सकते हैं। ये हमारा म्यूजिक के लिए है कि जो अभी हमारा कनेक्ट नहीं, इसलिए म्यूजिक नहीं बजेगा इसमें, इसको हम बैक जाते हैं। अब इसमें आपको नेविगेशन एक इनबिल्ट ऐप मिलता है गूगल का, नवी नाम से, ये आपका गूगल मैप के है, जो आप इसमें मैप चला सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसका रेडियो। इसमें आपको रेडियो, ये आपका इसमें रेडियो मिलता है, जो कि आप सेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पे सेट है ये हमने सेट कर रखा अपने हिसाब से। ब्लूटूथ इसके जो भी सिग्नल वगैरह है वो अच्छे आते हैं, इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है यूज़ करने में। अब इसमें कुछ आपको इनबिल्ट ऐप भी मिलते हैं, जो आप जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, रेडियो हो गया, वीडियो आप देख सकते हैं, कार सेटिंग, क्रोम आप ब्राउजर भी चला सकते हैं, कि म्यूजिक डाउनलोड करना है सुन सकते हैं वो भी कर सकते हैं। यह आपको गैलरी, फाइल मैनेजर वगैरह मिल जाते हैं, यूट्यूब भी आप चला सकते हैं। इसमें जो हम बात करें तो एंड्रॉयड प्ले या एप्पल कार प्ले वो ये है, इनका एक ऐप है, इसके थ्रू हम USB एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं, एप्पल कार प्ले ये वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, ये फीचर है।
इससे हम क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड जो हमारे यूएसबी से कनेक्ट रहेगा वो हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है। ये एंड्रॉयड आपका वाईफाई के थ्रू चलता है और ये आईफोन है जो आपका वाईफाई के थ्रू आप चलेगा। ये बेसिकली ये आप ये ऐप इनका जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपने फोन में, गाड़ी में तो दिया ये, जिसकी वजह से हो जाएगा ये आपका एंड्रॉयड और ऑटो प्ले चल जाएगा। बेसिकली दिखाया तो ये प्योर नहीं है ऑटो कार प्ले, ये एक ऐप के थ्रू दिया गया है कि कर सकते हैं। आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अब फोटो वगैरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आगे आपके फोन में दिया गया है जिस इसमें दिया गया है, बल्कि हो गया होगा कैसे भी इसकी शॉट यहाँ पे शो कर रहा है। और इसका जो टच है, जो टच रिस्पॉन्स है, वो वाकई बहुत अच्छा है। और आप अगर कोई अदर ऐप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं गाने का या कुछ भी, वो यूज़ कर सकते हैं इस ऐप में, ये एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है। और एक इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें आपको डीएसपी सपोर्ट मिलता है, यानी डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग मिलता है, जिससे कि आप अच्छी आउटपुट निकाल सकते हैं। सिस्टम अगर आपने बढ़िया स्पीकर चूज़ किया हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अच्छा साउंड में। आपको डीएसपी के मिलते हैं, डॉल्बी मिलते हैं, रॉक मिलते हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग मिलेंगे, जैसे इंडोर्स हो गए, डॉल्बी हो गए, रॉक हो गए, जाज, क्लासिक वगैरह जो भी हैं एक प्री डिफाइंड मिल जाते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई मैनुअल बटन नहीं दिया है आवाज़ बढ़ाने या कम करने के लिए। यहाँ पे प्लस माइनस, ये रिटर्न यू होम, ये आपका पावर, माइक रिसेट आपको दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, हम होम पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन है बिल्कुल वैसा ही इसमें शो करता है, जिसे आपको यहाँ पे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, स्क्रीन के लिए है, कार एम्पलीफायर, स्क्रीन शॉट, कार सेटिंग, क्लीनर, वीडियो आउटपुट, ऑप्टिकली आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आप नेट यूज़ करके आप मैप वगैरह भी चला सकते हैं। तो देखा जाए तो इसकी प्राइस करीब ये 25,000 रुपये में मिलता है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें जो वारंटी आपको टाटा की तरफ से मिलेगी, आपकी कोई भी वारंटी अवॉइड वगैरह नहीं होगी, जो भी है वो आपको शोरूम से मिलेगी। ये है आप, और ये आप नज़दीकी अपने शोरूम पे लगवा सकते हैं, अगर कोई भी आप दिक्कत होगा तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।